और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। टॉपिक का नेम क्या है? सी लैंग्वेज के अंदर हम जो आज करेंगे इफ कंडीशन में, आपको क्या है इफ कंडीशन स्टार्ट करा रखी है, इफ कंडीशन में सैलरी और इफ कंडीशन में एज का आपका प्रोग्राम रहेगा। अब हमने क्या है यहाँ पे सी लैंग्वेज को ओपन करते हैं। सी लैंग्वेज को क्या किया हमने, ओपन, यस, ओपन करने के बाद किस पे जाएंगे, फाइल, फाइल में एंटर किया, न्यू पेज अपना ओपन हो गया। फिर फाइल में न्यू, F5 से क्या होता है अपना फुल स्क्रीन, यानी जो अपनी सी लैंग्वेज की साइज को बड़ा करना है, फुल स्क्रीन करना है तो किससे करेंगे, F5 से। और अपने पेज को मैक्सिमाइज करना है तो वो किससे करेंगे, ऑल्ट प्लस एंटर से। ऑल्ट प्लस एंटर किया तो रिस्टोर कर सकते हो, ऑल्ट प्लस एंटर किया तो मैक्सिमाइज कर सकते हैं, विंडो M किया तो मिनिमाइज हो जाएगा। ऑल्ट टैब करोगे तो इसको मैक्सिमाइज हम देख सकते हैं यहाँ से, ऑल्ट प्लस एंटर, साइज बड़ा हो गया। अब इसमें क्या है अपना जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम का जो टाइटल है वो क्या है अपना, इफ कंडीशन के अंदर, इफ कंडीशन में सैलरी इन, सैलरी, सैलरी क्या होता है कि जो भी गवर्नमेंट जॉब पे है या प्राइवेट सेक्टर में है तो उनकी जो इनकम होती है वो अपनी क्या होती है, सैलरी। अब वो इफ कंडीशन में कैसे लगाएंगे, कंडीशन के अकॉर्डिंग अपनी सैलरी को ये शो करेगा। जैसे हमने यहाँ पे क्या किसका यूज किया, डबल स्लैश, डबल स्लैश का जो यूज होता है वो किस लिए होता है, लाइन को हाइड करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या स्टार्ट किया, हैश का यूज किया, ये किस लिए किया हमने, प्रोग्राम की प्रोसेसिंग के लिए। इंक्लूड क्या होता है, शामिल होना, stdio स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट .h हेडर फाइल, हमने सेकंड हेडर फाइल पे स्टार्ट की, इंक्लूड कोनियो, कोनियो हेडर फाइल हमने स्टार्ट की। कोनियो की फुल फॉर्म जो होती है वो क्या होती है, कंसोल इनपुट आउटपुट, कंसोल इनपुट आउटपुट .h मींस हेडर फाइल। वॉइड क्या होता है, नल, मेन क्या होता है, प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए। फंक्शन, करली ब्रैकेट ओपन, करली ब्रैकेट क्लोज, इनके बीच में जो भी हम क्या है कोडिंग डालेंगे, कोडिंग के अकॉर्डिंग अपनी वैल्यू को क्या है अपने आउटपुट को शो करता है। अब इसमें कोडिंग हमने क्या फिल की, लॉन्ग इंटीजर, लॉन्ग जो है अपना इंटीजर का यूज कब करते हैं, जब हमारी बड़ी वैल्यू हम लेते हैं तो किसका यूज करते हैं, लॉन्ग इंटीजर का यूज करते हैं। खाली जो इंटीजर होता है, अकेला इंटीजर जो लेते हैं वो किस लिए यूज होता है, ओनली यानी छोटी वैल्यू के लिए किसका यूज करेंगे, इंटीजर। अब लॉन्ग इंटीजर जो होता है वो होता है 5000 से ज्यादा बड़ी वैल्यू लेनी है तो किसका यूज करेंगे, लॉन्ग इंटीजर का यूज करते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या डाल दिया, वेरिएबल जो है हमने डाला है सैलरी, वेरिएबल क्या लिया हमने, सैलरी, सेमीकोलम एंटर, CLR SCR क्लियर स्क्रीन, सेमीकोलम यूज किया हमने। सेमीकोलम किस लिए यूज करते हैं, इसका यूज होता है स्टेटमेंट को बंद करने के लिए, सेमीकोलम का यूज करते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या डाला, प्रिंट आउट किया, प्रिंट आउट का यूज किस लिए होता है कि अपनी लाइन को डिस्प्ले पे शो करने के लिए प्रिंट आउट का यूज करते हैं। प्रिंट आउट में क्या डाला, एंटर द सैलरी, एंटर द सैलरी हमने यहाँ पे फिल किया। उसके बाद क्या, स्कैन अप, स्कैन अप किस लिए यूज करते हैं, इनपुट के लिए स्कैन अप का यूज करते हैं। इसमें यूज किया हमने %LD, %LD किस लिए होता है, लॉन्ग इंटीजर के लिए। खाली डी, ओनली डी जो है वो किस लिए लेते हैं हम, इंटीजर की वैल्यू के लिए, और लॉन्ग इंटीजर है तो किसका यूज करेंगे, LD का यूज करते हैं। इन्वर्टेड कोमा बंद, सिंगल कोमा एंड %, यहाँ पे हमने क्या डाल दी, एज डाल दी, यहाँ पे सैलरी, सैलरी को प्रिंट अप और स्कैन अप किया। अब इफ कंडीशन लगाएंगे, कंडीशन के अंदर हमने यहाँ पे क्या यूज किया, सैलरी, सैलरी हमने डाल दी, अगर 10,000 से कम है तो क्या प्रिंट होके आए, प्रिंट अप के अंदर प्रिंट अप डाला हमने, ब्रैकेट इन्वर्टेड कोमास क्या दिखाए, PN, उसके बाद इन्वर्टेड कोमा बंद, ब्रैकेट बंद, सेमीकोलम यूज किया हमने, करली ब्रैकेट बंद, एक कंडीशन हमारी क्या हो चुकी, कंप्लीट। अब हमने दूसरी कंडीशन लगाई, इफ ब्रैकेट स्टार्ट, अब इसमें क्या डाल दिया हमने, सैलरी, यहाँ पे क्या यूज किया हमने, डाल दिया 40,000,
40,000 डाल दिया। एंड परसेंट, डबल एंड का यूज कौन से ऑपरेटर के अंदर यूज हुआ था? अपना लॉजिकल ऑपरेटर, डबल एंड जो है अपना किसमें यूज हुआ था? लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर। इसमें आपने क्या डाला? सैलरी अगर 40,000 से कम है और सैलरी यहाँ पे क्या डाल दिया, सैलरी 10,000 से बड़ी और उसके बराबर है। देखो 10,000 से लेस देन डाला था हमने, कम डाला था, तो क्या दिखाएगा? पीएन। फिर हमने दूसरी कंडीशन में क्या बताया कि 40,000 से कम और 10,000 से ज्यादा, तो क्या दिखा यहाँ पे? एंटर। प्रिंट ऑफ के अंदर क्या फील हुए? कलर। उसके बाद क्या हमने, ये दूसरी कंडीशन हमारी कंप्लीट। फिर हमने थर्ड कंडीशन लगाई, यहाँ पे क्या डाल दिया? सैलरी अगर हमारी क्या है, हमने डाल दिया 80,000, 80,000 एंड परसेंट सैलरी क्या डालेंगे यहाँ पे? ग्रेटर देन इक्वल क्या डाल दिया? 40,000। अब हमने डाला 80,000 से कम और 40,000 से ज्यादा है, तो हमारा क्या है, क्या दिखाए उसमें? प्रिंट होके क्या है? मैनेजर, इन्वर्टेड कॉमास। यहाँ पे किसको किया हमने? मैनेजर फील किया कि अगर 40,000 से ऊपर और 80,000 से कम जो भी वैल्यू डालेंगे तो उसके अंदर हमारा क्या फील होएगा? मैनेजर। यहाँ पे करली ब्रैकेट बंद। तीन कंडीशन हमने यहाँ पे यूज की, तीनों कंडीशन में क्या है? सैलरी हमने फील की कि 10,000 से कम है तो पीएन, 10,000 40 के बीच में है तो क्या है? कलर। 40 और 80 के बीच में है तो मैनेजर। फिर हमने यहाँ पे क्या फील करेंगे? गेट सी एच। गेट सी एच किस लिए यूज करते हैं हम? गेट कैरेक्टर के लिए इसका यूज किया जाता है। करली ब्रैकेट बंद। उसके बाद F2 से फाइल को सेव करोगे। अब यहाँ पे फाइल का नेम फील किया हमने, SALA डाल दिया, .c, यहाँ पे पूरा फील कर सकते हो, .c के नाम से हमने फाइल को क्या किया? सेव किया। सैलरी .c के नाम से आपकी फाइल क्या हो चुकी? सेव हो चुकी। अब इसमें क्या Alt F9 करते हैं। Alt F9 किस लिए करते हैं? कंपाइल के लिए, यानी एरर को चेक करने के लिए। अपनी क्या एरर यहाँ पे क्या दिखा रहा है? सक्सेस दिखा रहा है, एंटर किया। कंट्रोल F9 करेंगे प्रोग्राम को रन करने के लिए। अब हम कंडीशन के अकॉर्डिंग वैल्यू डालेंगे, यहाँ पे क्या दिखा रहा है? एंटर द सैलरी। अब सैलरी में क्या डाल दिया हमने? डाल दिया 8,000, 8,000 डाला, एंटर करोगे तो क्या दिखा इसने? पीएन, क्योंकि हमने क्या डाला था? 10,000 से कम डालेंगे तो क्या दिखाएगा? पीएन। उसके बाद कंट्रोल F9 किया, यहाँ पे हमने कितना डाल दिया? 18,000, 18,000 डाला, एंटर करोगे तो क्या दिखाएगा? कलर। उसके बाद क्या है? हमने डाला यहाँ पे 45,000, 45,000 डाला तो क्या दिखाएगा? मैनेजर। अब जो भी आपने कंडीशन डाली थी उस कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने क्या है आउटपुट को इसने शो किया। इस टाइप से हम क्या है सैलरी रिपोर्ट इस कंडीशन के अंदर तैयार कर सकते हैं। दूसरा क्या था अपना, सेकंड जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम का नेम आपका क्या है? इफ कंडीशन। इफ कंडीशन के अंदर यहाँ पे हमने किस चीज का प्रोग्राम है? एज। अब एज भी इफ कंडीशन में इसी टाइप से होगी अपनी, हैज का यूज। इसमें क्या चेंज हो जाएगा? एज चेंज होगी। इंक्लूड stdio स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट .h हेडर फाइल, यहाँ पे क्या टैग बंद, एंटर। इफ क्या हैस यूज किया हमने? इंक्लूड। सेकंड फाइल हमने स्टार्ट की कोनियो .h कंसोल इनपुट आउटपुट .h मींस हेडर फाइल। फिर क्या हमने void, void null main function स्टार्ट की हमने, करली ब्रैकेट ओपन करली ब्रैकेट क्लोज। इसके बीच में हम क्या है कोडिंग फील करेंगे। अब कोडिंग के अंदर इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट ये तीनों चीजें फील करते हैं। अब यहाँ पे क्या लिया हमने? इंटीजर। इंटीजर में क्या फील किया हमने? वेरिएबल जो है वो एज लिया हमने, एज वेरिएबल लिया हमने, सेमीकोलन, एंटर, CLR SCR क्लियर स्क्रीन, सेमीकोलन लगाया हमने, एंटर। फिर हमने क्या किया? प्रिंट ऑफ। प्रिंट ऑफ किसको किया? यहाँ पे एज को हमने प्रिंट ऑफ और स्कैन ऑफ किया। प्रिंट ऑफ होता है अपना कि जो भी लाइन आप यहाँ पे प्रिंट करोगे यानी लिखोगे वो अपना डिस्प्ले पे क्या है प्रिंट होके आएगी।
स्कैन अप क्या होता है, उस चीज को क्या करेगा, स्कैन करके दिखाएगा, यानी उसमें इनपुट को एक्सेप्ट करता है, इनपुट को लेता है। जैसे इसके अंदर क्या इन्वर्टेड कॉमास, परसेंट डी, इन्वर्टेड कॉमा बंद, सिंगल कॉमा एंड परसेंट, यहाँ पे क्या फील किया हमने, एज, एज को प्रिंट अप और स्कैन अप किया, एज को क्या किया हमने, प्रिंट अप और स्कैन अप। अब इसमें क्या है, ब्रैकेट बंद, सेमी कोलम एंटर। अब इफ कंडीशन हमने स्टार्ट की, इफ कंडीशन के अंदर हमने क्या फील किया, एज। अब यहाँ पे क्या डाल दिया, एज हमने डाला 14 से कम, एज लेस देन 14, 14 से कम, तो क्या दिखाया अपना, कर्ली ब्रैकेट ओपन, प्रिंट अप, प्रिंट अप में क्या प्रिंट करे, ये चाइल्ड, यहाँ पे क्या डाल दिया, चाइल्ड। कि हमने कंडीशन डाली कि 14 से अगर जिसकी भी कम है जाए तो उसको प्रिंट अप में क्या दिखाए, चाइल्ड दिखाए। फिर हमने सेकंड यहाँ पे कंडीशन लगाई, एज डाल दी हमने यहाँ पे 40 या 45 डाल देते हैं, एंड परसेंट, एंड परसेंट यूज हुआ और का साइन। अब यहाँ पे एज डाल दी हमने 14 से अबो, कि हमने क्या डाला है, 45 से कम और 14 से ज्यादा, यानी 45 से तो कम हो और 14 से ज्यादा हो अपनी एज, तो उसमें क्या दिखाए, यहाँ पे क्या दिखाएगा, प्रिंट अप, प्रिंट अप में हम क्या फील करेंगे, यंग मैन, क्या डाल दिया हमने, यंग मैन। उसके बाद क्या, अपना ब्रैकेट बंद, सेमी कोलम एंटर किया, कर्ली ब्रैकेट बंद एंटर। फिर हमने कंडीशन नेक्स्ट लगाई, अब इसमें क्या कंडीशन डाल दी, एज यहाँ पे हमने डाल दी 19 के इक्वल और 19 से कम, 90 से कम हो और उसके बराबर है, एंड परसेंट, एज ग्रेटर देन इक्वल 45 से ज्यादा, 45 से ज्यादा और उसके बराबर हो और 90 से कम है, तो क्या दिखाए अपना, प्रिंट होके क्या है, यहाँ पे प्रिंट ऑफ के अंदर ब्रैकेट स्टार्ट इन्वर्टेड कॉमास में क्या प्रिंट किया हमने, ओल्ड मैन, यहाँ पे क्या प्रिंट होके आएगा, ओल्ड मैन। कर्ली ब्रैकेट बंद, गेट सी एच, यहाँ पे किसका यूज किया हमने, गेट सी एच, गेट करेक्टर, जो आउटपुट को क्या करता है, अपने आउटपुट को शो करता है, वो गेट करेक्टर का हमने यूज किया। सेमी कोलम, कर्ली ब्रैकेट बंद, एफ टू से फाइल को क्या करेंगे, सेव। अब यहाँ पे फाइल किस नाम से सेव की हमने, एज नाम से सेव की, एज डॉट सी के नाम से हमने फाइल को सेव किया। अब ऑल्ट एफ नाइन करते हैं, ऑल्ट एफ नाइन किस लिए होता है, कंपाइल के लिए इसका यूज किया जाता है, यानी एरर को चेक करने के लिए। एंटर किया, एरर कुछ नहीं है, क्या दिखा रहा है, सक्सेस। कंट्रोल एफ नाइन करते हैं, कंट्रोल एफ नाइन किस लिए करते हैं, अपने प्रोग्राम को रन करने के लिए कंट्रोल एफ नाइन का यूज किया। अब ये क्या दिखा रहा है, डिस्प्ले पे शो कर रहा है अपना, एंटर द एज। अब यहाँ पे एज हमने कितनी डाल दी, यहाँ पे डाली हमने 22, एंटर करोगे तो क्या दिखाएगा, यंग मैन। अब हमने क्या, कंट्रोल एफ नाइन किया, एज क्या डाल दी, 10 डाल दी, तो 10 में क्या दिखा दिया, चाइल्ड। उसके बाद क्या, कंट्रोल एफ नाइन, यहाँ पे हमने क्या डाल दिया, 87 डाल दिया, तो क्या दिखाएगा, ओल्ड मैन। वो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी एज डाल सकते हो, जैसे आप एग्जांपल यहाँ पे एज हमने क्या डाल रखा है, 14 डाल रखा है, आप 12 डाल सकते हो, ठीक है, यहाँ पे भी चेंज कर सकते हो, जो भी आपको चेंज करनी है उसके अकॉर्डिंग अपने आउटपुट को शो करेगा। जो भी आप कंडीशन डालोगे उस कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आउटपुट को क्या करता है, ये शो करता है। अब आपने क्या है, जैसे हमने यहाँ पे इक्वल डाल रखा है, अब ये 45 इक्वल क्यों डाला है, क्योंकि जैसे ही कंट्रोल एफ नाइन करोगे तो हम 45 यहाँ पे डालते हैं, एंटर करोगे तो 45 में इसने क्या दिखा दिया, ओल्ड मैन दिखा दिया। ओल्ड मैन क्यों दिखाया, क्योंकि हमने क्या डाल रखा है, एज बड़ी है, बराबर है, बड़ी भी हो और बराबर भी हो इसके 45 के, अगर 45 के क्या है, बड़ी है 45 से और उसके बराबर है, तो क्या दिखाएगा, ओल्ड मैन। अब जैसे हमने 14 डाल दिया, 14 डालोगे तो क्या दिखाएगा, यंग मैन। इसमें भी हमने क्या डाल रखा है कि जो अपनी एज 14 से बड़ी और उसके बराबर है, तो क्या दिखाए, यंग मैन।
हमने यहाँ पे कंडीशन लगा रखी है कि 14 से अपनी क्या है छोटी होनी चाहिए, तो क्या दिखाएगा चाइल्ड, ये हमने क्या है प्रोग्राम आज किए हैं, कौन कौन सा एज वाला और सैलरी। अब इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी, जो अपना एज वाला प्रोग्राम है इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। नीचे कर देते हैं फेसबुक, यहां से भी ले सकते हो आप। कंट्रोल F9 करते हैं, आउटपुट, आउटपुट में हमने क्या डाल दिया 23 डाल दिया, तो आउटपुट को शो करता है। इसका भी स्क्रीनशॉट के बाद सेकंड जो प्रोग्राम, अब इस फाइल को क्लोज करना है अपने को, फाइल को क्लोज करना है तो किसका यूज करते हैं, ऑल्ट F3 का यूज करते हैं। वो फाइल अपनी क्या हो चुकी, क्लोज हो चुकी, जो पहले वाला प्रोग्राम था वो अपना ओपन हो गया। अब इसमें क्या है, हमने किस चीज का प्रोग्राम किया था, ये सैलरी, इफ कंडीशन के अंदर सैलरी, इसका भी आप स्क्रीन शॉट लेंगे। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेंगे। कंट्रोल F9 करते हैं, इसके आउटपुट का भी स्क्रीनशॉट लोगे। सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब जो भी आपको प्रोग्राम करवाया है उस प्रोग्राम में अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो बता सकते हो आप, किसी को कोई भी प्रॉब्लम आई है तो वो पूछ सकते हो। और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।